हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 12। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोविड-19। कोविड-19 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का नोट्स बनाते हुए चलना। कोशिश करना कि एक ही नोटबुक में आपके सभी 45 टॉपिक्स आ जाएँ, ताकि रिविज़न करने में आसानी हो और एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिविज़न हो जाए और 15 to 20 मार्क्स आपके कवर हो जाएँ स्टैटिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 12, यानी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से इंपॉर्टेंट जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारा है कि कोरोना वायरस, सबसे पहले कोरोना वायरस की जो पुष्टि हुई है कहाँ पे हुई, दिसंबर 2019 में हुई थी। कहाँ पे? चीन में। चीन का एक प्रांत है यानी राज्य है हुबेई में, और जिसकी राजधानी क्या है? वुहान। सेकेंड पॉइंट आपका है WHO। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो नाम दिया है वो क्या दिया था? कोविड-19। कोविड-19 फुल फॉर्म पूछता है तो कोरोना वायरस डिसीज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पूछेगा कि ये नाम किसने दिया, तो WHO ने ये नाम दिया। इसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे क्या करा, वैश्विक महामारी घोषित की। तो क्वेश्चन आता है कि कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया, तो 11 मार्च 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो फेफड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पे आया है, केरल में। इसके बाद लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ पर कोई भी कोविड-19 का मामला नहीं आया था, अगर बात करते हैं 2020 की तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर की राशि दी थी, 12 अरब डॉलर की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ पे हुई, कर्नाटक में। तो इम्पॉर्टेंट चीज नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम यानी 1897 जो है वो लागू किया। नेक्स्ट हमारा, पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील, यानी जनता कर्फ्यू जो है वो कब लगाया गया, 22 मार्च को लगा। इसके बाद कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में जो है लॉकडाउन यानी पहली बार लॉकडाउन कब लगा, 23 मार्च 2020 को। इसके बाद है कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। इसके बाद सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया था, तो वो है पंजाब। अगला पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। सार्क यानी सार्क देशों की बात करें, जो सार्क के अंदर जो भी हमारी कंट्री आती है, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया था, 10 मिलियन डॉलर। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा था, इटली का फ्यूमिनी सिनो एयरपोर्ट था। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने, मनीष कुमार थे। उसके बाद कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री उनका नाम क्या था, उनका नाम है बोरिस जॉनसन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण कौन सा ओलंपिक जो है कौन सा देश है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर हुआ, ठीक है, बाहर होने वाला पहला देश बना था कनाडा। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया था, दिल्ली में, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2020 की। नेक्स्ट हमारा है कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, गोवा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की एक पहल है जिसका नाम है खुडोल, KHUDOL, खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में जो है वो शामिल किया है, ठीक है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना था, स्लोवेनिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कोविड-19 से है कि कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट वो कौन है, कौन सा एयरपोर्ट है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और भारत बायोटेक ने। अगला पॉइंट हमारा है कि कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा है, रशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे चलाई गई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन की, जैसे क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन मिशन जो है वो किस, ऑपरेशन नमस्ते
ऑपरेशन नमस्ते जो है किसने स्टार्ट किया, तो भारतीय सेना ने क्यों किया था, भारतीय सेना ने खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन चलाया। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन, ये विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए यानी 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए जो है ये हमारा मिशन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा मिशन सागर, मिशन सागर क्यों स्टार्ट किया गया, कोविड 19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कॉमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री या फिर आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए ये मिशन हमारा स्टार्ट किया गया, मिशन सागर। अगला है इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है किसने स्टार्ट किया, तो कोविड 19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे लोगों को लाने के लिए, मालदीव में फंसे जितने भी भारतीय उन्हें लाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया, और किसने किया, भारतीय नौसेना ने। ऑपरेशन संजीवनी की बात करें तो कोविड 19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को जो है 62 टन आवश्यक दवाएं जो है वो उपलब्ध कराई थी। तो ऑपरेशन संजीवनी जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये स्टार्ट इसलिए किया गया ताकि भारत जो है मालदीव को दवाइयाँ उपलब्ध करा सके। तो अगला हमारा है कि ऐप की बात करें, कोविड 19 के दौरान जो है जो जो ऐप जारी किए गए, जैसे फर्स्ट हमारा है कि कोरोना कवच बोलेगा कि किस स्टेट किसने स्टार्ट किया, तो भारत सरकार ने। नेक्स्ट हमारा ब्रेक द चेन जो आया हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है, केरल सरकार ने स्टार्ट किया। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया ये ऐप। नाड़ी की बात करें, नाड़ी ये करके आएगा, तो ये पुदुचेरी सरकार ने स्टार्ट किया। प्रयास की बात करें, प्रयाम की बात करें, प्रयाम जो है झारखंड सरकार ने ये ऐप स्टार्ट किया है। अगला है कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप की बात करेगा तो पूछेगा कि किस सरकार ने स्टार्ट किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने। आरोग्य सेतु ऐप की बात करें तो भारत सरकार ने, और समाधान की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। 5T योजना जो है दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारी जो ऐप है वो है करुणा, करुणा जो पहल है वो स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने, और वी सेफ जो टनल है वो स्टार्ट किया तेलंगाना ने। आई गॉट पोर्टल की बात करें ये ऐप जो है भारत सरकार ने, और कोविड कवच ऐप की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मो जीवन ऐप, ये स्टार्ट किया है उड़ीसा सरकार ने, और संजीवन ऐप जो है स्टार्ट किया है बिहार सरकार ने। बात करते हैं नमस्ते ओवर हैंडसेक ऐप की, तो ये है कर्नाटक सरकार ने। प्रवासी रोजगार ऐप की बात करें तो सोनू सूद ने स्टार्ट किया है, और आयुष कवच ऐप की बात करें तो ये है, ये ऐप जो स्टार्ट किया है यूपी सरकार ने। अगला हमारा लास्ट है कोविड फार्मा ऐप, तो ये स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार से, सरकार द्वारा। तो टोटल आज हमने कवर किया कोविड 19 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सभी हमने डिस्कस किए, जो भी पॉइंट बनते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी कोविड 19 से रिलेटेड है वो सभी हमने डिस्कस किए टॉपिक नंबर 12 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे जनगणना के ऊपर, जो मैं करने वाला था वो हम डिस्कस कवर करेंगे ल्यूशन बुक से, तो काफ़ी डिटेल में वहाँ पे दिया है और अच्छे से, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंसेक 2011 यानी जनगणना 2011, ठीक है। तो टारगेट हमारा 45 टॉपिक्स करने का है, कोशिश करना कि सभी 45 टॉपिक्स को अच्छे से आप कर दो, और एक ही नोटबुक आपका, कोशिश करना कि एक ही नोटबुक में सभी 45 टॉपिक करने की, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, और एग्ज़ाम से पहले ही कोशिश करना 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। और 15-20 मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं जीके सेक्शन में, जो कि कवर कराएगा आपका स्टैटिक जीके, इसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मिसेलनियस टॉपिक हो गया, और ठीक है, और साइंस टॉपिक हो गया, इसके अलावा भी यहाँ पे 10-15 मार्क्स अगर अच्छे से किया है तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट अपना लेते हुए चलना, 30+ जो है मिनिमम टारगेट लेते हुए चलना जीके सेक्शन में, और काफ़ी अच्छे से अगर कवर करते हो तो 35+ भी स्कोर आपका हो सकता है जीके सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रीजनिंग वाली सीरीज़ को भी कंटिन्यू देखते हो, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिन क्वेश्चनों में टाइम लगता है, जो गलत होते हैं, या कह सकते हो जिनका लेवल जो है अच्छा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।